Hello, students, and good morning to all of you, and welcome to our eighth class video lecture. Today, I am going to take your moral science chapter number 4. Title is Respect Others' Privacy. The wisdom word is, word of wisdom is, do not try to peep or pry in the lives of others. You will only get yourself labeled as a big brother. Bother means. हमें किसी के लाइफ के अंदर बीच में नहीं पड़ना चाहिए कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और इससे क्या होगा कि हमारे ऊपर एक लेबल लग जाएगा कि बिग बॉदर यानी आप हमेशा दूसरे के मामले में इंटरफेयर करते रहते हो तो इस चैप्टर का मीनिंग यही है कि प्राइवेसी का ध्यान रखें किसी के मामले में बीच में नहीं पड़े जब तक वो आपको परमिशन नहीं दे, तो बेटर है अपना बिजनेस करें अपने ही कामों में बिजी रहें, दूसरों को इंटरफेयर नहीं करें दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करें रीड एंड अंडरस्टैंड चैप्टर पढ़ते हैं हम लेट्स गो टू द चैप्टर। मिसेस मैथ्यू न्यू दैट समथिंग वाज रॉन्ग इन हर नेबर्स हाउस मिसेस मैथ्यू को कुछ रॉन्ग लग रहा था अपने पड़ोसी के घर में शी कुड फील अज साइलेंस वेन शी वेंट टू देयर प्लेस वहां पर उन्हें कुछ कुछ ज्यादा ही शांति लग रही थी कि उनकी जगह ये इतनी शांति क्यों है शी हैड ट्राइड आस्किंग द चिल्ड्रन शी हैड probed mrs सेट हर नेबर बट was unable टू get द एग्जैक्ट information उन्होंने बहुत ट्राई करी उन्होंने बच्चों से पूछा उन्होंने पड़ोसी से पूछा मिसिस सेठ से पूछा कि क्या बात है ये लोग क्या कर रहे हैं इतनी शांति क्यों है क्या चक्कर है लेकिन उन्हें कहीं से भी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिली शी हर गजिंग गेम फिर वो अपने तरीके से एक गेम खेलने लगी कुड इट बी पॉसिबल दैट मिस्टर एंड मिसिज सेठ वर हैविंग फ्रिक्वेंट क्वारल्स अब वो पॉसिबिलिटी देखने लगी कि क्या मिस्टर एंड मिसेस के बीच में सेट के बीच में कोई कंटिन्यू लड़ाई हो रही है क्या वॉज चिल्ड्रन क्या बच्चों के साथ कुछ गलत है? अनसक्सेसफुल इन हिज एग्जाम द सेकेंड टाइम क्या उनका बच्चा दोबारा से दूसरी बार फेल हो गया है या सक्सेसफुल नहीं हुआ है पढ़ाई में यस दैट वॉज इट हाँ ऐसा हो सकता है

घर में जाऊंगी उनके घर में जाऊंगी और सही कारण पता करूंगी कि क्या हो रहा है उनके घर में नेक्स्ट डे शी वेंट इन द मॉर्निंग वेंट वैन सी वॉज श्योर दैट ऑल द चिल्ड्रंस वुड हैव लेफ्ट फॉर स्कूल अगले दिन वो मॉर्निंग में उनके घर गई और उन्हें श्योर था कि सभी बच्चे स्कूल चले गए होंगे बट शी कुड सी विक्की सिटिंग इन हिज रूम लेकिन उन्होंने विक्की को उसके रूम में बैठा हुआ देखा सी स्टार्टेड हर गॉसिप विद मिसिज बट हर आईज फॉलोड वो बातें करने लगी मिसिस सेठ से और लेकिन फिर भी उनकी आंखें विक्की की तरफ ही थी सडनली शी सैड विक्की यू डिड नॉट गो टू स्कूल टूडे और उन्होंने एकदम से अचानक से विक्की से पूछा कि बेटा आप स्कूल नहीं गए विक्की योर क्लासेज मस्ट है आंटी जी इसलिए मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ विक रिप्लाइड बट यस्टरडे ऑल्सो यू आर एट होम आई थिंक मिसिज मैथ्यू प्रोवाडेड मिसिज मैथ्यू ने दोबारा से उसको उलझाने की कोशिश करी यानी पुरानी बात वापस से लेके आएंगे कि, कि कल भी मैंने आपको यहीं घर पे देखा था सडनली विकी वॉज नो लॉन्गर द स्वीट ने अचानक से विक्की एकदम मीठी बातें करने वाला सॉफ्ट बॉय नहीं था ही रेज हिज वॉइस से उसने अपनी आवाज जोर से नी हाई पिंच में बोलने लगा जोर से बोलने लगा वट डू यू वॉन्ट टू नो आंटी आप क्या जानना चाहती हैं आंटी वाई आर यू नो इनिंग आप क्यों नहीं चुप रह सकती हाउ डज इट मैटर टू यू वेदर आई गो टू स्कूल और नॉट विक्की ने कहा कि मैं स्कूल जाऊं नहीं जाऊं आपको क्या करना है मैडम और इससे आपको क्या फर्क पड़ता है और यू वॉन्टेड टू नो माई रिजल्ट क्या आप मेरा रिजल्ट जानना चाहती हैं आई हैव फेल्ड अगेन मैं दोबारा से फेल हो चुका हूं नाउ यू कैन गो एंड टेल दिस टू एवरीबडी अब आप जा सकती हैं और सबको बोल सकती हैं।

विकी की मम्मी उनके पीछे पीछे भागी और कमरे में चली गई और मिसेस मैथ्यू कमरे में बैठी रहेगी और उनको आश्चर्य हो रहा था मिसेस मैथ्यू को मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया शी वाज अनेबल टू grasps that it was due to his inquisitive nature that a child was reduced to tear वो अपने आप को समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा उन्होंने क्या कर दिया और उनके इस नेचर से यानी वो दूसरों के मामले में बहुत इंटरफेयर करती थी इस नेचर की वजह से बच्चा रोने लग गया माइंडिंग वंस ओन बिजनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोशल वर्च्यू अपने ही काम में बिजी रहना ही एक सबसे अच्छा एक सामाजिक रूप से व्यवहार होता है यानी हमें एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए ईच पर्सन इज एंटाइटल टू हैव द हिज प्राइवेसी हर व्यक्ति के पास में उसके लिए एक प्राइवेसी होनी चाहिए देयर आर सम लाइक मिसिस मैथ्यू सीक्रेट ऑफ अदर्स यहां पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे कि मैथ्यू वो हमेशा कोशिश करती रहती थी कि दूसरों के सीक्रेट्स को पता करें और उसको स्प्रेड करें दूसरों की बातों को पता करके उनको फैलाएं इन दूसरे के मामले में हमेशा टांग अड़ाना एक हिंदी में कहावत है दिस एटीट्यूड इज

आपके साथ में बातचीत करते करते आपसे पूछते हैं वन शुड नॉट आस्क एम्ब्रेसिंग क्वेश्चन एक तो आपको किसी के साथ में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए जिससे दूसरे को नीचा देखना पड़े ही इट अ पड़ेट ऑफ ग्रेट एम्प्रेसमेंट फॉर सेटला वेन हर फ्रेंड एंड नेबर रिमार्क लाउडली इन द क्लास ये एक सबसे बुरा क्षण होता है या पल होता है जब हमें नीचा देखना पड़े या हमें शर्म महसूस हो जैसे कि सेटला के साथ हुआ था उसके फ्रेंड्स और नेबर उसको लाउडली उसको रिमार्क कर रहे थे क्लास के अंदर सेटला पेरेंट्स वर फाइटिंग एट नाइट सेटला कल आपके पिताजी या आपके परिवार वाले आपस में लड़ रहे थे आई कुड हेयर देयर वॉइस इन माई बालकनी मैं उनकी आवाज को सुन रहा था बालकनी में एन इनडिस पर्सन वॉन्ट टू नो एवरी सिंगल डिटेल एंड सो रिगार्डेड रिगार्ड लेस ऑफ गुड साइंस आस क्वेश्चन तो जो भी लोग हैं वो मतलब आपके ऊपर क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे और आपको पूछने लग जाएंगे पर्सनल क्वेश्चन शुड बी अवॉयडेड इन पब्लिक पर्सनल क्वेश्चन यानी आपने के व्यक्तिगत क्वेश्चन पूछना पब्लिक में उसको अवॉइड करना चाहिए यानी पर्सनल सवाल किसी के साथ सबके सामने नहीं पूछना चाहिए दे कैन कॉजेज हर्ट एंड हर्ट ऑफ दर्सनि से हो सकता है कि वो हर्ट हो जाए और दुखी हो जाए बाइंग टेल न्यूज अबाउट अदर्स बाय परसुंग एवरी लिटिल गोसिफ वन हेयर्स यानी कई लोग होते हैं जो सुनने के लिए रेडी रहते हैं और इधर से उधर बातों करते रहते हैं तो यहाँ पर कई आदमी ऐसे होते हैं जो हमेशा तैयार रहते हैं कि समाचार कोई नया समाचार मिल जाए पड़ोसी का और उसको स्प्रेड करते हैं दे लव टू गो अराउंड ट्राइंग टू फाइंड मोर डिटेल्स अबाउट द लेटेस्ट स्कैंडल वो लोग पूरे शहर में घूमते रहते हैं और नया नया कोई स्कैंडल ढूंढते रहते हैं दे क्रिएट द इम्प्रेशन अमॉन्ग पीपल दैट दे नो मोर देन अदर्स और वो दूसरे पे इम्प्रेशन जमाते हैं कि देखो मेरे को तो इतनी सारी नॉलेज थी और आपको कुछ पता नहीं है दे फाइंड सफिशियंट टाइम टू पीस टूगेदर श्राइट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट दे हैव मैनेज टूगेदर उनके पास में बहुत समय होता है कि इधर उधर घूम करके इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करते ने देन दे प्रेजेंट अ पिक्चर दैट इज एक्सरेटेड और कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल थिंग्स दैट हैड है और फिर वो इस तरह से अपनी मन बातों को थोड़ा सा मसाला लगा के बोलते हैं कि वो ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था और से बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं इट इज नीडलेस टू से दैट सच इंडिविजुअल्स आर लॉट ये ये लोग जो होते हैं ये बात का बतंगड़ बनाते हैं बात को कहां से कहां ले जाते हैं और इससे कई बार बहुत बुरी सिचुएशन भी डेवलप हो जाती है दे डू नॉट डिजर्व एनी रिस्पेक्ट और उनके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं रहती के उनके मन में वन डे वेन नेहा केम टू स्कूल

शी ट्राइड आस्किंग हर फ्रेंड्स अबाउट द स्ट्रेंज बिहेवियर बट दे वर्क अनकम्फर्टेबल इन टेलिंग हर द रीजन उसने ट्राई करी अपने फ्रेंड से पूछने के लिए कि उसका बिहेवियर इतना स्ट्रेंज कैसे है अजीब सा कैसे है लेकिन उन्होंने उसको बताने बताया नहीं और उसे अनकंफर्टेबल फील हुआ और कोई रीजन नहीं बताया ड्यूरिंग द फ्री पीरियड मैक्स केम टू हर हैंड सेट फ्री ब्रेड में मैक्स उनके पास में आया और उसने कहा नेहा वी आर सो सॉरी अबाउट योर ब्रदर नेहा मैं आप हमें बहुत दुख है आपके भाई के लिए हिज फ्यूचर इज रुइंड उसका फ्यूचर खराब हो चुका है नाउ व्हाट इज द व्हाट इज ही गोइंग टू डू अब वो क्या करेगा नेहा वाज क्वाइट परप्लेक्स्ड नेहा एकदम से चौंक गई और एकदम सदमे में रह शी लुक्ड एट मैक्स एंड आस्क्ड उसने मैक्स को देखा और कहा बट वाई शुड यू बी सो सॉरी फॉर माई ब्रदर आप लोग मेरे भाई के लिए इतना दुखी क्यों हैं? बिकॉज मैनी टोल्ड अस दैट ही वॉज एग्जाम्पल्ड फ्रॉम स्कूल क्योंकि हमें बहुत से लोगों से सुनाई सुनने में पड़ा है कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया मैक्स रिप्लाइड नी द रूम ऑफ द प्रॉब्लम शी वैन टू मैरी नी द रूट ऑफ द प्रॉब्लम नेहा प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना चाहती थी सी वेंट टू मैरी एंड आस्क हर वो मैरी के पास गई और उससे पूछा मैरी हाउ डिड यू नो दैट माई ब्रदर हैज बीन एक्से फ्रॉम स्कूल मैरी आपको कैसे पता चला कि मेरा भाई जो है स्कूल से निकाल दिया गया हैम टू योर हाउस टू कलेक्ट द हिस्ट्री बुक कल जब मैं आपके घर पे आई थी हिस्ट्री की बुक लेने के लिए आई हर्ड हिम टेल समी ऑन द फोन दैट ही वॉज एक्सपेल्ड मैंने सुना था फोन पे कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया ही साउंडेड वेरी सैड वो बहुत दुखी था नेहा लाफ्ट अलाउड नेहा जोर से असी इंस्टीड ऑफ गोइंग एंड टेलिंग एवरीबडी इन द्लास एट लीस्ट यू शुड हैव द न्यूज विद मी दूसरों के पास जाकर के बोलने से अच्छा है कि आप एक बार मेरे से आ जाती हैं और इस चीज इस न्यूज को कंफर्म कर लेते कि ये चीज है भी या नहीं है ही वॉज बीन सक्सेसफुल इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन ही हैड गिवन टू स्टडी इन द बॉयज कॉलेज ऑफ देहरादून वो सक्सेसफुल हो चुका है एग्जाम पास कर लिया उसने और वो देहरादून में जो बॉयज का कॉलेज है उसमें पढ़ने जा रहा है इट इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री वो जो इंस्टीट्यूशन है वो पूरे कंट्री में सबसे बेस्ट है एंड ही वॉज जस्ट पुलिंग हिज फ्रेंड्स लैग ऑन द टेलीफोन बिकॉज ही विल नॉट स्टडी विद और वो जस्ट अपने दोस्त को की टांग खिंचाई कर रहा था मजाक कर रहा था अपने दोस्तों के साथ की वो उनके साथ नहीं पढ़ पाएगा और स्कूल छोड़ना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम वेन यू हर समथिंग प्लीज कंफर्म बिफोर स्प्रेडिंग रूमर ऑफ दिस काइंड अगली बार कभी भी आप किसी बात को कहना चाहें तो पहले मुझसे जरूर से कन्फर्म कर लें कि वो बात है क्या ऐसी अफवाहें ना फैलाएं मैरी कुड से शेम मैरी कुछ भी नहीं कह पाई और सिर्फ अपना गर्दन नीचे करके बैठी रही बाय प्राइंग इन टू प्राइवेट लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट किसी के लेटर्स और डॉक्यूमेंट्स के में झांकना गलत बात होती है इसी के बारे में कुछ इंसिडेंट है दिस इज ऑल्सो एन एविल फॉर्म ऑफ क्यूरो सबसे एक बुरी बात होती है कि बिना किसी के परमिशन के हमें किसी के लेटर में नहीं छाकना चाहिए मेल और प्राइवेट पेपर वैन दुनि कुछ लोग हमेशा मौका ढूंढते रहते हैं कि किसी के मेल को पढ़ा जाए किसी के लेटर को पढ़ा जाए किसी की बुक्स को पढ़ा जाए या डायरी को पढ़ा जाए the unhealthy curiosity of a person makes him pry into the private and confidential letter and paper of the others ये एक बुरी आदत होती है बुरी इच्छा होती है जिज्ञासा होती है कि किसी को कि जासूसी करें हम उसके प्राइवेट लेटर और कॉन्फिडेंशियल लेटर्स को पढ़ें दिस शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट इसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए हर कीमत पर इट इज अ डेंजरस हैबिट दैट कैन लीड अ पर्सन टू ग्रेव कॉन्सियस ये एक बहुत ही बुरी आदत होती है और ये कभी भी आपको मुसीबत में ला सकती है द रेमिडी फॉर सच इनस्टेबिल क्यूरोसिटी इज टू रिकोगनाइज अ प्रॉपर सेट ऑफ वैल्यूज इसको सुधारने का एक ही तरीका है कि हम अपनी वैल्यूज बनाए एक प्रॉपर रूल्स बनाए देर इज अ हेल्थी क्यूरोसिटी फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स दैट वुड इंक्रीज अवर नॉलेज हमारे अंदर जो क्यूरोसिटी है उसको सही डायरेक्शन में ले जाए और उसको, उससे नई नई चीजें सीखें नई नई नॉलेज सीखें एंड मेक अस बेटर ह्यूमन बींग और अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाए बट अनहेल्दी क्यूरोसिटी दैट फीड्स ऑन द अदर्स पीपल अदर्सल कैन लीड टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन यदि हमारे अंदर एक बुरी आदत होगी बुरी जिज्ञासा होगी हम दूसरे के लेटर्स में दूसरे की लाइफ में झांकते रहेंगे तो हमें क्या होगा हमारा ही नुकसान होगा चिल्ड्रन शुड लर्न टू माइंड देयर ओन बिजनेस बच्चों को सिखाना चाहिए अपना ही अपना ही काम करते रहे अपने में सुधार लाते रहे किसी दूसरे के बारे में बार बार नहीं सोचे दे शुड नॉट बी गाइडेड बाई आइडल गोसिप मोंगर्स उन्हें किसी दूसरे के द्वारा गोसिप मोंगर्स की तरह नहीं सीखना चाहिए द बेस्ट वे टू अवॉइड सच पीपल इज टू डेवलप अ कंस्ट्रक्टिव हॉबी इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम कुछ कुछ अच्छी हॉबीज अपने अंदर डेवलप करें जिससे हम कुछ ना कुछ बनाते रहें और उससे हमारे अंदर क्वालिटीज मेंटेन होगी और हम एक अच्छे कलाकार या स्किलफुल पर्सन बन सकते हैं इफ वी डू नॉट द टाइम टू लिसन टू हैपनिंग इन अदर्स पीपल्स लाइफ यदि हमारे पास में किसी और की लाइफ में झांकने का टाइम नहीं होगा इफ वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द स्प्रेडिंग द पर्सन मैटर ऑफ एनी बडी यदि हम किसी के मैटर को फैलाने में बिजी नहीं रहेंगे इफ वी आर आर लिस्ट बिट बॉर्दर अबाउट एनी इन्फॉर्मेशन इन द पर्सनल लेटर ऑफ अवर फ्रेंड्स ओनली देन कैन बी एस्केप फ्रॉम बींग लेबल्ड अ गोसिप मॉगर यदि हमारे अंदर ऐसी कोई इच्छा नहीं रहेगी की हम अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचे की उसके लेटर में क्या लिखा होगा उसके बुक्स में क्या लिखा होगा और वो क्या कर रहा है उसकी लाइफ में तो हम फालतू की चीजों में बिजी नहीं रहेंगे और फिर हमारे ऊपर कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि ये गौसी मोंगर यानी हमेशा बातें फैलाता रहता है दूसरों के बारे में गप्पे मारता रहता है सो स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू वाइंड अप माई वीडियो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड रीड केयरफुली और कोई बात समझ में नहीं आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझसे पूछिएगा और मैं प्रे करूंगा गॉड से कि आप लोग हेल्दी रहें और अच्छी अच्छी चीजें सीखें जैसे इसमें लिखा हुआ है कि हम हमें नेगेटिव वे में नहीं जाना है हमें पॉजिटिव वे में जाना है अच्छी अच्छी चीजों को सीखना है जिससे हमारी लाइफ अच्छी बन सके और स्ट्रांग बन सके सो so, आप लोग अपना हेल्थ का ध्यान रखिएगा पेरेंट्स का ध्यान रखिएगा और सैनिटाइजर करिएगा अपनी हेल्थ के लिए योगा करिएगा रेगुलर ओके God bless you and bye.